सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं हां तुहाडे नाल अनु चोपड़ा। बीते दिन पिंड सठियाला दे विच एक नौजवान दा सरेआम दिन दहाड़े कुछ नकाबपोश व्यक्तियों के वलों कतल कर दिता गया सी। ते हुण इस मामले दे विच नवी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, तुहानू दस दे कि दविंदर बंबीहा ग्रुप के वलों इस कतल की जिम्मेवारी ले ली गई है। तो जो जानकारी सामने आ रही थी बीते दिन, उस दे मुताबिक यह कहा जा रहा है कि मृतक जरनैल सिंह के संबंध जो है वह गैंगस्टर के नाल दसे जा रहे थे। तो हुण यह गल कितें ना कितें पुख्ता होंदी हुई नजर आ रही है, क्योंकि दविंदर बंबीहा ग्रुप के वलों जिहड़ा पोस्ट सांझी की गई है, जिस दे वजों उहदे वलों कहा जा रहा है कि उस विच उन्हों का कहना है कि यह कतल साढ़े भरा डोनी बल सठियाला अते गोपी माहल ने करया है। तो इस दे नाल यह भी कहा है कि जरनैल सिंह साढ़े भरा गोपी घनश्यामपुरिया ग्रुप का मैंबर नहीं सी। इस बंदे का साढ़े नाल कोई भी लेना देना नहीं है। तो यह बंदा साढ़े एंटी ग्रुप जगू खोटी अते हैरी चट्ठा नाल संबंध रखता है। तो यह गल हुण साफ हो चुकी है, जिथे पहला ये जानकारियां जो सांझियां कीतियां जा रही सी वख-वख निजी चैनलों के वलों कि गैंगस्टर जो है वो घनश्यामपुरिया ग्रुप के नाल जुड़िया होया है। तो हुण ये गल जिहड़ी है साफ कर दी गई है, जद दविंदर बंबीहा ग्रुप के वलों ये पोस्ट सांझी की गई है। तो उन्हों का कहना है कि यह घनश्याम के नाल जिहड़ा है उन्होंने ग्रुप के नाल नहीं जुड़िया होया, तो यह जिहड़ा संबंध रखता है दूसरे ग्रुप के नाल रखता है, जो कि इन्हां दे एंटी है। तो दस दे कि हुण ग्रुप जग्गू खोटी अते हैरी चट्ठा दे नाल इस दे संबंध सीगे जरनैल सिंह, जिसकी कल दिन दहाड़े गोलियां मार के कतल कर दिता जाता है। तो जिथे पहला दिन दहाड़े ये कतल हुंदा है, दस एक 20 राउंड फायर किए जाते हैं, तो जरनैल सिंह दो जिस तो बाद मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आती है जिस वेले ये घटना को अंजाम दिता गया सी। कारण जिहड़ा है वह हजे तक साफ नहीं हो पा रहा सीगा, जिस दे चलदियां गैंग वॉर दे चलदियां कहा जा रहा है कि गैंग वॉर है या फिर कोई होर कारण है इस कतल के पिछे, ये साफ नहीं हो पा रहा सी। लेकिन हुण ये पोस्ट सांझी की गई है दविंदर बंबीहा दे वलों, एक नाम की आई डी है जो कि उस दे वलों ये सांझी की जा रही है पोस्ट दे, उस दे विच कहा जा रहा है कि साढ़े बंदिया ने जिहड़ा जरनैल सिंह का कतल किया है। तो हुण ये गल जिहड़ी है साफ हो चुकी है कि दविंदर बंबीहा ग्रुप के गुरगियां दे वलों इस कतल नूं अंजाम दिता गया है। जरनैल सिंह नूं जिहड़ा शरेआम मार दिता जांदा है दुकान दे विचों, जदों बाहर निकल रहा सी तां दो नकाबपोश व्यक्ति आंदे ने ते उन्हां दे वलों अन्नेवाह गोलियां चला के जिहड़ा इस व्यक्ति का कतल कर दिता जांदा है। ते उस तों बाद तों ही पुलिस जिहड़ी है जांच दे विच जुटी हुई सी कि इस पूरे कहानी की है, इस पूरे मामले के पिछे की है, पूरी जांच पड़ताल दे विच लगी हुई सी। ते हुण दविंदर बंबीहा दे वलों पोस्ट सांझी की जाती है फेसबुक पर, तो उत्थे कहा जाता है कि यह बंदा जिहड़ा है असी साडे बंदिया ने मारिया। तो यह भी कहा जा रहा है कि घनश्यामपुरिया का नहीं सी यह बंदा, तो उसका मैंबर नहीं है, तो दूसरे मैंबर जो कि उन्होंने खिलाफ है एंटी ग्रुप के मैंबर सेगा। तो कहा जा सकता है कि गैंग वॉर के चलदियाँ इस पूरी घटना को अंजाम दे दिता जाता है, जब जरनैल सिंह जो कि सठियाला पिंड शरेआम कतल कर दिता जाता है, दुकान तो बाहर निकल रहा सीगा। सीसीटीवी फुटेज भी जी है उस सामने आती है, जिस दे विच नकाबपोश व्यक्तियों के वलों 20 के करीब राउंड फायर किए जाते हैं, तो सरेआम जिहड़ा है गोलियां चला के अन्नेवाह गोलियां चला के उसका कतल कर दिता जाता है। तो हुण नवीं अपडेट जो सामने आई है कि दविंदर बंबीहा ग्रुप के वलों जिम्मेवारी ले ली गई है इस कतल की। तो हुण जरनैल सिंह नूं कहा जा रहा है कि दविंदर बंबीहा ग्रुप के वलों मारिया गया, उन्होंने गुरगिया के वलों मारिया गया। तो हुण पुलिस इस दे विच की कार्रवाई करती है, क्योंकि सरेआम जिहड़ा है फेसबुक पर पोस्ट सांझी करके जिहड़ा है जानकारी सांझी की गई है दविंदर बंबीहा ग्रुप के वलों। तो हुण पुलिस इस दे उत्ते की कदम लैंदी है वो भी जरूर देखना होगा। तो होर एक जो भी अपडेट आएगी वो तुहाडे नाल जरूर सांझी करांगे। देखते रहो अजीत वैब टीवी।